मैं जूनियर स्कूल से करण बागला आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर आज अपने टॉपिक करेंगे कि किसी डाइपोल के एक्स के ऊपर विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है ना। उसके अंदर देखना, ठीक है ना, इसके अंदर क्या अपने एक डाइपोल मान लेंगे, एक डाइपोल ए बी जिसके बीच की डिस्टेंस 2a है, इसका मिड पॉइंट ओ है, इसका मिड पॉइंट ओ है, तो ये दो भागों में इस डाइपोल को डिवाइड कर देगा, तो ये a और ये b क्या a। इस o बिंदु से, इस o बिंदु से r दूरी पर किसी बिंदु p पर, अक्ष पे किसी बिंदु p पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करना है। और क्या, ए पर जो चार्ज है वो है माइनस क्यू और बी पर जो चार्ज है वो है प्लस क्यू। ये अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब क्या करते हैं, अपने इसके लिए दो विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, E1 और E2। E1 क्या होगा, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके कारण, प्लस क्यू के कारण, और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके कारण, माइनस क्यू के कारण। लास्ट में अपने क्या करेंगे, ई नेट कर देंगे, अपने ई नेट कर देंगे, जिसके अंदर क्या होगा, E1 और E2 जुड़ जाएंगे। ये काम करना अपने को। तो पहले अपने इसके अंदर फाइंड करेंगे E1 प्लस क्यू चार्ज के कारण, ठीक है। तो E1 के लिए देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में निकाला है, के क्यू अपॉन आर, बी से पी की डिस्टेंस, आर क्या बी से पी की डिस्टेंस, बी पी की स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे क्या, इसके साथ अपने को दिशा बताने के लिए, डायरेक्शन के लिए डाइपोल की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो देखना, डाइपोल से पहले E1 की डायरेक्शन पता करते हैं। तो E1 की डायरेक्शन, P के ऊपर E1 की जो डायरेक्शन होगी, प्लस वन चार्ज रखा तो E1 की डायरेक्शन होगी बाहर की ओर, E1 की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर, क्योंकि B पर क्या है पॉजिटिव चार्ज और P पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो इसको क्या करेगा, बाहर की तरफ भेजेगा, तो E1 की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ। और जस्ट इसके अपोजिट, इसके विपरीत जो P डाइपोल होता है उसकी डायरेक्शन इसकी विपरीत होती है, यानी डाइपोल E1 के लिए P क्या होगा, अंदर की ओर, E1 के लिए P क्या होगा, अंदर की ओर। ये तो हो गया, अगर अंदर की तरफ P, डाइपोल की डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो अपने उसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव। अगर डाइपोल की डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो उसको मानेंगे पॉजिटिव। तो यहां पे ये लिख दिया P कैप। अब देखना, BP की वैल्यू लिखनी है, BP की वैल्यू कितनी, ये यहाँ से O से P तक की वैल्यू R, O से P तक की वैल्यू कितनी R, R माइनस स्मॉल a कर देंगे तो BP आ जाएगा, R माइनस स्मॉल a कर देंगे तो BP आ जाएगा। ये आपका हो गया E1 वेक्टर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान। अब बात करते हैं E2 के ऊपर, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, अब बात करें अपने E2 के ऊपर। देखो E2 के अंदर क्या होगा, E2 के अंदर क्या होगा, KQ सेम रहेगा, नीचे वाली जो दूरी है वो आ जाएगी A से लेके P, वो आ जाएगी A से लेके आपके P तक, AP की स्क्वायर। अब बात करते हैं डायरेक्शन, यानी कि P कैप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो यहां पे देखना, E2 क्या था, E2 क्या होगा P के ऊपर, E2 होगा, देखना ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो E2 की डायरेक्शन क्या, अट्रैक्शन के कारण, आकर्षण के कारण क्या होगी, E2 की डायरेक्शन अंदर की ओर। अगर E2 की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी तो P की डायरेक्शन उसके विपरीत होगी, तो ये क्या होगी, P की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ P इज आउटसाइडर, बाहर की ओर, ठीक है।
जब p अंदर की ओर था तो उसको पॉजिटिव माना, तो p अगर बाहर की तरफ होगा तो उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। जब p अंदर की तरफ था तो पॉजिटिव, p बाहर की तरफ होगा, डाइपोल की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी तो क्या मानेंगे, नेगेटिव, तो माइनस पी कैप। ये आपके आगे क्वेश्चन नंबर दो, समीकरण नंबर दो। A1 और A2 फाइंड हो गए हैं, अब इसके अंदर बात करने हैं AP कितनी है। AP O से P है आपकी R, और इसके अंदर अगर A जोड़ देंगे, O से P तक की डिस्टेंस है R, उसके अंदर अगर A जोड़ देंगे AO, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी AP। तो यानी AP की वैल्यू कितनी आएगी, R प्लस A की होल स्क्वायर और माइनस P। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड E2। अब क्या करना है, E1 आ गया, E1 वेक्टर आ गया और E2 वेक्टर आ गया, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। E1 और E2 वेक्टर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसको लिख लेंगे, या तो E एक्सियल कह देंगे या इसको लिख देंगे E नेट लिख देंगे वेक्टर की फॉर्म में, और आगे लिख देंगे E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो E1 वेक्टर की क्या होगी, E1 वेक्टर होगा KQ अपॉन R माइनस A की होल स्क्वायर P कैप, प्लस का निशान KQ R प्लस A की होल स्क्वायर और माइनस P कैप। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, इधर से इन दोनों में कॉमन आ जाएगा KQ और एक कॉमन आ जाएगा P कैप। दो क्वांटिटी, दो राशियां कॉमन आएगी KQ और P कैप, तो KQ कॉमन ले लेंगे इधर से, तो यहाँ पे बचा जाएगा 1 माइनस R माइनस A स्क्वायर प्लस, और P कैप बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस, तो 1 अपॉन R प्लस A की होल स्क्वायर और यहाँ से P कैप बाहर, यहाँ से P कैप बाहर आ गया तो माइनस का निशान वो यहीं पे छोड़ गया, ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे अपने किससे, LCM से, लघुतम समापवर्त्य से। LCM में क्या करेंगे, ये बाहर लिख लिया आपका KQ का KQ, जो बटा में दोनों राशियां हैं डिनोमिनेटर हर में जो राशियां हैं उनको गुना में लिख लेंगे। तो देखना यहां पे R माइनस A की होल स्क्वायर का स्टेप है, पद है, तो ऊपर लिखा जाएगा R प्लस A की होल स्क्वायर माइनस, यहां पे क्या है R प्लस A की होल स्क्वायर का स्टेप है तो ऊपर आएगा R माइनस A की होल स्क्वायर, अपोजिट स्टेप ऊपर लिखे जाते हैं, और बाहर क्या P कैप। ठीक है, अब देखना यहां पे फॉर्मूला यूज होगा A प्लस B की होल स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इसी तरह A माइनस B का फॉर्मूला यूज होगा, उसका होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। उसके साथ अपॉन में फॉर्मूला यूज होगा A माइनस B A इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है ना, अब ए की जगह रख लेंगे आर और बी की जगह रख लेंगे ए। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, तो देखना ऊपर जब सोल्व करेंगे तो आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कट जाएंगे विपरीत निशान के कारण, ऊपर बचेगा 2AR माइनस माइनस 2AR, नीचे वाले को सेम रहने देते हैं, R माइनस A की होल स्क्वायर R प्लस A की होल स्क्वायर और क्या KQ और P कैप। ठीक है, अब इसको ऊपर वाले को क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऐड हो जाएगा, तो ऊपर क्या आया 4AR KQ P कैप, नीचे आ गया R माइनस A की होल स्केयर और R प्लस A की होल स्केयर। ठीक है ना, अब क्या करना है, नीचे वाले में फॉर्मूला लगेगा A माइनस B A प्लस B A स्केयर माइनस B स्केयर, तो यहां से आपका क्या बन जाएगा 4AR KQ
पी कैप, तो ये हो जाएगा आर स्केयर माइनस ए स्केयर, और चूंकि दोनों की स्केयर है तो यहाँ पे दोनों की स्केयर, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी फोर्थ। ठीक है, कुछ नहीं किया, दो फॉर्मूले लगाए, ए प्लस बी के होल स्केयर और ए माइनस बी और ए प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, अब ऊपर देखना, ऊपर क्या आ गया, के क्यू एक साइड लिख लेते हैं, फोर को सेपरेट कर लेते हैं दो भाग में, एक तो टू यहां पे लिख लेते हैं और एक टू लिख लेते हैं यहां पे, टू ए और पी कैप और अपॉन में आर स्केयर माइनस ए स्केयर की होल स्केयर। ठीक है ना, अब इसमें देखना P का फॉर्मूला क्या होता है, 2aq is equal to P, परिणाम। तो यहां से 2 ये रहा, a ये रहा, q ये रहा, इनको लिख लेंगे P, इनको क्या लिख लेंगे P, तो यहां से ये आ गया 2k P P cap और यहां पे आपका r square minus a square की whole square। अब देखना, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि आपका 2k p डॉट p कैप, ये हो जाएगा p वेक्टर, ये क्या हो जाएगा p वेक्टर, और अपॉन में हो गया r माइनस a स्केयर की होल स्केयर इज इक्वल टू e वेक्टर एक्सियल। अब इसके बाद अगर r क्या है, ग्रेटर है किससे, a से, तो a क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, a अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा, तो e एक्सियल आएगा आपका 2kp वेक्टर इंटू r अपॉन r की पावर 4। तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे आपका बचेगा ई एक्सियल इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये आपका ई एक्सियल है, ई अक्ष के ऊपर, ये सारा, ये अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र डाइपोल के कारण आ गया। आगे अपने करेंगे निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र, डिलीट मारती।